वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की अपडेट में लेकर के हम पेपर कटिंग लेकर के प्रेजेंट है। जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, पुरानी पेंशन को लेकर के हो सकता है बड़ा फैसला। फुल अपडेट वीडियो स्किप नहीं करिए, फुल अपडेट के लिए लगातार बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो सके। प्रमुख यहाँ रूप से बताएं तो पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट्स की राष्ट्रीय परिषद में पदाधिकारियों से मिलेंगे, यानी इस संबंध में भारत सरकार के उप सचिव प्रवण जागर ने परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखा है कि बैठक में परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें जिससे कि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री की कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ इस तरह यह पहली बैठक होगी। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार पुरानी पेंशन जैसे अन्य मुद्दों पर कोई अहम फैसला ले सकती है। इससे पहले यह बैठक बुलाई गई है। लंबे समय से कर्मचारियों की मांग हो रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। रेलवे समेत तमाम सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरने को लेकर के कर्मचारी यूनियनों की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक यानी आज शनिवार सैटरडे है तो हो रही है। जैसे क्या संवाद में हुआ है बैठक में, सारा फुल अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय पर। हमारे चैनल से जुड़े रहिए लगातार हमारे चैनल पे फुल वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।